तो नमस्कार दोस्तों, शायद ये हमारा YouTube में आखिरी वीडियो अपलोड हो रहा है। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके हैं, मैं YouTube छोड़ रहा हूँ। और YouTube छोड़ने के पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि लगभग 3 सालों से हम लोग YouTube से जुड़े हुए हैं। मैं यार बहुत सारे साथी YouTube से जुड़े हुए हैं, तो खैर मैं अपनी बात करता हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अब वैसा मज़ा वो फील नहीं आ रहा है दोस्तों, वीडियो बनाने में ना वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि लगभग काफ़ी समय हो गए ना ढंग से व्यू आ रहे हैं और ना ही अर्निंग हो रही है वीडियो के माध्यम से। तो आखिरकार और स्वास्थ्य संबंधी भी कारण है दोस्तों, जिनके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने ये फैसला लिया है कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि YouTube से जब से मैं जुड़ा था, तो काफ़ी सारे भाई बहन दोस्त यार काफ़ी प्यार मिला लोगों का, और YouTube छोड़ते हुए दुख भी हो रहा है कि इतना सारा प्यार मिलते हुए भी मैं आप लोगों से दूर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के चैनल पे आऊँगा और वीडियोस देखूँगा आप लोगों के, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन शायद आप लोग मेरे वीडियोस को नहीं देख पाएंगे, तो थोड़ा दुख तो है, लेकिन सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो इसी कारणवश अब मैं YouTube से दूरी बना रहा हूं। तो दोस्तों क्या कहूं, काफ़ी दुख तो हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इजाज़त दीजिए मुझे। तो दोस्तों मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। मैं भी YouTube से दूरी नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, ना ही मुझे कोई लालच है कि YouTube से मैं अर्निंग करूँ। YouTube पे वीडियो बनाने का रीज़न ये है दोस्तों कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि अपनी जो यादें हैं वीडियो के माध्यम से संजो के रख सकूँ। और मैं YouTube से दूरी नहीं बना रहा हूँ, बस मजाक कर रहा था मैं आप लोगों से। और मेरा मजाक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पहले एक्टिंग का शौक था मुझे, अभी भी है। तो बस आजमा रहा था कि बस एक्सप्रेशन आता है कि नहीं, और आवाज़ में उतनी धीमी गति आ पाती है कि नहीं, अगर साइड वाला कोई वीडियो फिल्माया जाए। तो बस मैं मजाक कर रहा था। तो बताइएगा आप लोगों को कि शुरुआती में जो मैंने वीडियो बनाया तो YouTube छोड़ने वाला, तो कैसा लगा, यानी कि आप लोगों को लग रहा था कि रियल में बंदा YouTube छोड़ने वाला है कि मजाक कर रहा है। तो दोस्तों अब सबसे पहले आप सभी को 15 दिसंबर की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज यानी कि 15 दिसंबर को ऐसा क्या खास है कि आप, यानी मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ और सारे यूट्यूब परिवार को बधाइयाँ दे रहा हूँ दोस्तों। मैं इसके पीछे एक रीज़न है, वीडियो पे आप लोग कंटिन्यू बने रहें, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके विषय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं आज के जो दिन है इसके बारे में आप लोगों को सारे यूट्यूब परिवार को बधाइयाँ क्यों दे रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और 15 दिसंबर की जो बधाइयाँ हैं उसके विषय में जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, कई लोगों के सवाल होते हैं हम यूट्यूबर से, और कई लोगों को मालूम नहीं है सवाल के बारे में। तो सवाल ये है कि यूट्यूब का अर्थ क्या होता है। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि यूट्यूब का अर्थ क्या होता है और ये कब बना। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इसकी शुरुआत फरवरी 2005 में तीन दोस्तों ने की थी जो अमेरिका में रहते हैं, और उन तीनों दोस्तों का नाम था स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम। ये तीनों दोस्तों ने मिलकर इस यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। तो अगर हम बात करें यूट्यूब के मुख्यालय के बारे में, तो वह स्थित है अमेरिका के सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में। अब जानते हैं दोस्तों
कि यूट्यूब का जो अर्थ होता है, कई लोगों का सवाल होता है यूट्यूब का अर्थ क्या होता है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब का अर्थ क्या होता है। यूट्यूब का अर्थ बना है दोस्तों दो शब्दों से मिलकर, पहला है यू और दूसरा है ट्यूब। तो दोस्तों यू का अर्थ होता है आप, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं हो, और स्वयं का व्यक्तिगत रूप से बनाया गया एक छोटा सा वीडियो, उसे कहते हैं यू। और दोस्तों ट्यूब का अर्थ होता है, उसका जो मूल शब्द है वो है दोस्तों, लिया गया है उसे टेलीविजन से या टीवी से, और उसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। यानी कि पुराने समय में जो प्राचीन नाम है टीवी का वो था कैथोड रे ट्यूब। तो यू और ट्यूब, यानी कैथोड रे ट्यूब और यू, तो इन दोनों को मिलाकर एक सोशल मीडिया एक वेबसाइट बनाएगी जिसका नाम था यूट्यूब। तो दोस्तों अगर यूट्यूब की बात करें तो सरल भाषा में कहेंगे स्वयं के द्वारा बनाया गया एक छोटा वीडियो। यूट्यूब इंटरनेट पर मौजूद एक वेबसाइट का नाम है जिस वेबसाइट पर कंटेंट यूजर्स अपने द्वारा बनाई गई वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं उस पोस्ट को या उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी यूट्यूबर्स और जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं व्यूवर्स, वह सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं यूट्यूब के बारे में आज आप लोगों को जानकारी क्यों दे रहा हूं, और जो मैंने शुभकामनाएं दी हैं आज की तारीख की यानी कि 15 दिसंबर की, वो क्यों दी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में आज अभी बताना चाहूँगा कि जो यूट्यूब है उसका जो जन्म हुआ था, उन तीन दोस्तों ने मिलकर जब यूट्यूब की स्थापना की थी, तो उसकी जो तारीख थी दोस्तों वह थी फरवरी 2005। लेकिन दोस्तों आधिकारिक तौर पे यूट्यूब को लॉन्च किया गया था दिसंबर 15 तारीख 2005 को, यानी कि आज ही की तारीख थी वो 15 दिसंबर 2005 को। तो एक तरह से दोस्तों कहा जाए तो यूट्यूब का जो आधिकारिक तौर पे जन्म हुआ, एक तरह से उसका जो बर्थडे है वो आज है। तो यूट्यूबर परिवार को मैं आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और यही कारण था कि आज मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों तक एक छोटी सी जानकारी यूट्यूब के बारे में मैं पहुंचा सकूं। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और कुछ मिस्टेक हो गई होगी मुझे बताने में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों सोमेश भैया और मैंने काफ़ी चर्चा की थी इस विषय में कि आज का जो दिन है यानी कि 15 दिसंबर की तारीख को हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, बस्तर क्षेत्र के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी के साथ एक मीटअप का कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन मेरी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी हमसे हो पाए, समय मिलेगा और जब हमारा स्वास्थ्य यानी कि मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी यूट्यूबर से संपर्क करूं और आप लोगों को ये जानकारी दूं कि हम एक मीटअप का कार्यक्रम रखें। ऐसे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे बस्तर के, खासतौर पे मैं हमारे बस्तर के छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर्स को बुलाना चाहूँगा जो हमारे बस्तर क्षेत्र यानी कोंडागांव से लेकर इधर अगर कहें तो दंतेवाड़ा क्षेत्र तक में जो यूट्यूबर्स आते हैं वो, तो इन दोनों क्षेत्र के लोगों को मैं मिलाऊंगा और सभी यूट्यूबर आपस में मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तो नए जो यूट्यूबर उन्हें भी अवसर मिलेगा कि वो आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं लेकिन किसी कारणवश वो पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनके वीडियो जो होते हैं दोस्तों आगे बढ़ नहीं पाते हैं और सपोर्ट नहीं मिल पाता उन्हें। तो मैं चाहूँगा कि सभी एक जगह एकत्रित हों और सब एक दूसरे का सपोर्ट करें ताकि हमारे यूट्यूबर साथी आगे बढ़ पाए। तो जब भी पॉसिबल हो हम लोग ये कार्यक्रम रखेंगे और मैं सभी यूट्यूबर से संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था यूट्यूब से जुड़ा एक छोटा सा जानकारी, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों अब चाहूँगा आप लोगों से आज्ञा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। थैंक यू दोस्तों, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर दोस्तों।